खजूर की चटनी थी, तो वो तो आपने बता दिया ना कि जैसे कल टमाटर और खजूर और इमली तीनों को मिक्स करके चटनी बनाई थी, और आज इमली और खजूर दोनों ही मिक्स करके चटनी बनाई थी। और मसाला तो सेम ही रहता है, जो अपने हिसाब से हम डालते हैं वही वही आलू मटर की सब्जी दूसरा। तो इसमें आलू कच्चा, कच्चा आलू और मटर, हाँ अभी तो फ्रोजन मिल रहा है तो वो ही लिया है। और इसमें ग्रेवी, टमाटर की ग्रेवी, और इसमें आज जो सब्जी बनाई थी आलू मटर की, इसमें थोड़े से काजू का ग्रेवी बना के डाला था। हाँ काजू को भिगो दे, दो घंटा, दो या तीन घंटा भिगो के ग्रेवी बना दी, और साथ में मसाला में अदरक और हरी मिर्च की थोड़ी सी पेस्ट डाली थी। और मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नींबू, और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। तो ये आलू मटर की सब्जी। नहीं नहीं बस एक या दो बार पानी से धो के सीधा यूज करना है, क्योंकि वो नमक के साथ पूरा वो ग्रेवी के साथ गल जाता है ना, तो हाँ काफी देर खाने के एक या ढाई घंटे पहले बनाते तो गिल जाता है। हाँ और ये आज दोपहर को सलाद था, कोकोनट सलाद, तो जिसमें गाजर था कद्दूकस किया हुआ, खीरा था, टमाटर, पत्ता गोभी, और जो फ्रेश वाला नारियल है उसको कद्दूकस करके डाला था, और उसमें कोई मसाला तो था नहीं, सिंपल ही था, बस थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, तो वो तो सिंपल सलाद है। हाँ अनार भी डाले थे, वो अपने स्वीट कॉर्न भी डाले थे, वो अपने हिसाब से जो भी डालना था सलाद में तो डाल सकते हैं। और आज बीटरूट का हलवा बनाया था ना आज, तो बीट को पहले छिलके निकाल के कद्दूकस कर लेना है, फिर इसका जो पानी निकलता है वैसे जूस, तो उसको निकाल लेना है पहले ताकि सूखा हो जाए, और इसमें नारियल का वो कोपरे का छीन जो बुरादा है चूरा वो डाला है, और थोड़ा सा काजू और बादाम का पाउडर डाला है, वो तो थोड़ा थोड़ा ही लेना है, एक एक कटोरी जितना है, क्योंकि आज तो ज्यादा था, अगर अपने हिसाब से एक या दो दिन का बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा काजू और बादाम का थोड़ा सा पाउडर, नारियल का बुरादा, और मीठापन के लिए खजूर की पेस्ट डाल सकते हैं, और किशमिश की पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, पर खजूर की पेस्ट बेस्ट रहेगी। केला भी डाल सकते हैं, पर केला की फ्लेवर थोड़ी सी किसी को पसंद आती है नहीं आती है, तो खजूर बेस्ट रहेगा, सॉफ्ट वाला खजूर, और थोड़ा सा हार्ड है तो उसको एक या दो घंटे पानी में भिगो के मिक्सी में क्रश करके बना सकते हैं, और इलायची पाउडर, और भरवा टमाटर, टमाटर को धो के फिर दो दो पीस कर लेना है, पूरा भी भर सकते हैं, जो जैसे कि हम बैंगन भरते हैं पूरा, हाँ बीच में कट कर, तो ऐसे भी भर सकते हैं, और दो पीस करके भी भर सकते हैं। तो इसमें हमने जो मसाला बनाते हैं तो उसमें मूंगफली का पाउडर, मूंगफली भी सूखी लेनी है, भिगोई हुई नहीं, सूखी मूंगफली, थोड़ा सा तिल का पाउडर, थोड़ा थोड़ा आधी आधी कटोरी सब ले लेना है, मूंगफली पाउडर, तिल का पाउडर, हाँ कच्ची मूंगफली, हाँ सिंग दाना, तिल का भी पाउडर, हाँ हाँ तिल, वो सफेद वाले तिल, जी सफेद वाला तिल आता है वो, और वो नारियल का चूरा सूखा वाला पाउडर,
क्या अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बना के डाल सकते हैं इसमें। हाँ धनिया, हरा धनिया ले सकते हैं इसमें। और जो मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, वो तो अपने हिसाब से नींबू, सेंधा नमक, नींबू तो हर चीज में रहेगा। और थोड़ा सा इसमें मीठा भी जाएगा, गुड़ थोड़ा सा डाल देना। कोई कोई लोग खट्टा नहीं खाते वैसे। हाँ आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, पर वो कम यूज करते हैं वैसे, ज्यादातर तो नींबू का ही यूज करना चाहिए। खट्टा यूज नहीं करना है, ऑप्शनल रखना है। और इसमें पीनट का पाउडर होता है, तो जनरली जो बीमार व्यक्ति है तो उसको तो ये अवॉइड करते हैं। तो उसके ऑप्शन में क्या है, तो उसके ऑप्शन में एक दूसरी आइटम भी है कि टमाटर है, उसमें जो फ्रेश वाला नारियल आता है जिसको चबाने में इजी हो, एकदम क्रीम वाला, जैसे हम कद्दूकस करते हैं तो उसमें भी वो व्हाइट मिल्क निकलता है ऐसा फ्रेश। हाँ मानो पका पका बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ जो लाते हैं वो वाला नहीं, एकदम गिरी वाला मलाई वाला। हाँ उसको भी कद्दूकस कर लिया और उसमें नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गुड़, लेमन या फिर आमचूर पाउडर, तो उसमें तिल या मूंगफली का पाउडर यूज नहीं होगा, तो ये हेल्दी या फिर अनहेल्दी।